प्रदीप जंगम ने लोक आयुक्त के अंदर एक याचिका दाखिल करी थी और लोक आयुक्त के पास इसका निर्णय लग चुका और महानगर पालिका ने जो 5% मैटरनिटी होम के लिए जो आरक्षित जगह है वो महापालिका को विकसित करके उन्होंने देना चाहिए था, तो महापालिका ने लोक आयुक्त को बताया कि वो हमने ताबे में ले लिया है और आज उस बात को कम से कम 4 से 6 महीने हो गए। जब ताबे में आपने विकसित हुई हुई प्रीमाइसेस ले लिया है तो उसे चालू करने के लिए किसने रोका है, सवाल ये उठता है। तब आपने MBMC के ताबे में है तो उसको तुरंत चालू करना चाहिए, वो चालू नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ये आंदोलन यहाँ पे चल रहा है महापालिका के विरुद्ध में। आमदार क्या होता है, आमदार कायदा कानून बनाने का काम करता है विधानसभा के अंदर, कायदा कानून तोड़ने का काम तो नहीं करता है कोई आमदार। तो यहाँ के स्थानीय आमदार ने क्या किया है अभी शहर के लोग भली भांति जानते हैं इस बात को। ये बात अलग है कि इनकी मेजॉरिटी है राज्य में, सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री हर महीने यहाँ पर आते रहते हैं, इस वजह से शायद प्रशासन डरता है कि हम आमदार के खिलाफ में कैसे कुछ करें, हम ये प्रीमाइसेस तो हमने ताबे में ले लिया लेकिन हम इसमें कैसे चालू करें, ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर इनडायरेक्टली हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल मैं आपको रोकना चाहूँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रीमाइसेस ताबे में लेने के बावजूद, पालिका ताबे में लेने के बावजूद जो लोग उनसे फैसिलिटेड होने चाहिए, जिनको फ़ायदा पहुंचना चाहिए, वो फ़ायदा पहुंच ही नहीं रहा है क्योंकि वो शुरू ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। वही जो एक मीरा भाईंदर महानगर पालिका के क्षेत्र में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो हमने हमारे MLC फंड से बनाया मीरा रोड में, वहाँ पर एक प्रसूति गृह चल रहा है। तेम्बा हॉस्पिटल में एक चालू हुआ था जब कल से ही सारे डॉक्टर्स ने अपना हाथ ऊंचा कर दिया ये कहते हुए कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर और उन्होंने सारों ने जो है हम इस हॉस्पिटल में ऑपरेट नहीं करेंगे तेम्बा हॉस्पिटल में, और इस तरह से उन्होंने बायकॉट कर दिया है, पेपर में न्यूज़ आई है सारी। अब ऐसी परिस्थिति में इस शहर के अंदर आज तकरीबन 60,000 से 70,000 लोग स्लम्स में रहते हैं, मेजॉरिटी लोअर मिडिल क्लास की जनता इस शहर में रहती है। आपको 20 माले की 7 माले की 10 माले की बिल्डिंग यहाँ दिख रही होगी तो वो उसका परसेंटेज खाली 30% 40% है। 60% आज भी यहाँ पे लोग लो इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं जिनको सब्सिडाइज रेट के अंदर नर्सिंग मैटरनिटी केयर मिलने ज़रूरी है। ऐसे चलते हुए अगर महानगर पालिका और आयुक्त साहब इस बात को लेकर सीरियस नहीं है कि ये शहर की एक ज़रूरत है, यहाँ पर सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स को बाजू में रख करके इस काम को वॉर फुटिंग पे करना चाहिए तो वो नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, उसके लिए करोड़ों रुपया जो है प्रोग्राम्स में खर्च किया जा रहा है, मुख्यमंत्री क्रिकेट स्पर्धा लगाई जा रही है, महापौर चषक लगाया जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर बात है कि एक तो महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से 8,000 करोड़ रुपये मांगे कि इस राज्य के अंदर काश्तकारों के प्रश्नों को सुलझाने के लिए, शेतकरी के प्रश्नों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है इसलिए 8,000 करोड़ रुपए हमको दिए जाए, पर ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री चषक पूरे महानगर पालिकाओं में किया गया। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, लोगों के टैक्स पेयर्स की पैसे वहाँ पर खर्च किए गए और आज इस शहर के अंदर पीने को पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं है, गटरों के काम बंद पड़े हुए हैं, प्रसूति गृह चलाने के लिए, प्रसूति गृह को शुरू करने के लिए पैसे नहीं है और ऐसी परिस्थिति में महापौर चषक किया जा रहा है। तो हमने तो हमारी पार्टी के लोगों ने इसका निषेध किया है, हम भी इसका निषेध व्यक्त करते हैं और आयुक्त साहब से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर प्रदीप जंगम साहब जो बैठे हैं उपोषण में इस बात को लिखित रूप से दे कि भाई अगले 5 दिन में 7 दिन में 4 दिन में कितने दिन में इस प्रसूति गृह को वो शुरू करते हैं, OPD शुरू करते हैं, ताकि हम भी विनंती करें कि भाई ठीक है प्रशासन को और 2-5 दिन का समय दे करके अपना आंदोलन वापस लीजिए। ने 7-11 हॉस्पिटल बना लिया है उसमें वो अगर उन्होंने बनाया है तो वो एक आमदार हैं, उन्होंने बनाया है तो मतलब ये जो बाकी के अथॉरिटीज़ है जो डिपार्टमेंट है उन्होंने उनको परमिशंस कैसे दिया और उन्होंने कैसे बनाया उसे, ये मेरा बड़ा क्वेश्चन है। सर आपका क्वेश्चन जायज़ है और जितने भी परमिशन मिली है सब इलीगल है क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल बनना ही नहीं चाहिए, वहाँ पे सिर्फ मैटरनिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए। उन्होंने ऑल इन वन हॉस्पिटल बना के रखा हुआ है, कैंटीन का भी लाइसेंस विधायक के नाम पर है। पहली बात तो मेडिकल का, कैंटीन का, सबका लाइसेंस, मेयर का जो ऑफिस है वो भी इलीगल है, हर कोई चीज़ वहाँ पे सब इलीगल है, वहाँ पे विदाउट ओसी आप वहाँ पे कुछ स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो।
ना वाटर कनेक्शन इलीगल है, लाइट कनेक्शन भी इलीगल है, एवरी थिंग इज इलीगल। इतने सारे अगर इलीगल है तो इसमें आपको नहीं लगता कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट की मिली भगत है? पूरे पूरे डिपार्टमेंट की मिली भगत है। जब भी लोकायुक्त का ऑर्डर आया तभी खदगावकर आयुक्त ये जो यहाँ के, उन्होंने एग्रीमेंट बनाया। महानगर पालिका का रूल है कि आरक्षण जो डेवलपर लेता है उसको अगर आप महानगर पालिका का जब हस्तांतरण करते तो आपको डेवलप करके देना चाहिए था, लेकिन ये 4 महीने पहले मुझे झूठा लेटर दिया, लोकायुक्त को भी झूठा लेटर दिया, CM को भी झूठा लेटर दिया कि ये हम लोग ने डेवलप करके दे दिया करके। लेकिन आज कंडीशन वही है, अभी काम पे लगे, जब मैं आंदोलन में बैठा 2 दिन से, आज 2 दिन से वहाँ पे दिन रात काम चल रहे हैं वहाँ पे। इतनी तो शर्म होनी चाहिए भाजपा के आमदार को, भाजपा जो एक लेडीज है यहाँ की मेयर लेडीज है, वहाँ पे जो मैटर्निटी होम है लेडीज के लिए बनने वाला है, वहाँ मीरा मंदिर के बहुत सारी ऐसी महिला है जिनको सीजरिंग के लिए कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये का बिल पे करना पड़ता है। जो गरीब महिला कहाँ जाएंगी, मुंबई के हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है उनको, टेम्बा हॉस्पिटल की आप गंभीर हालत आप खुद जानते हैं, लेकिन उनको ये डेवलप करके देना नहीं है, ऐसी बात है। आपकी मांग क्या है? OPD सेंटर, मैटर्निटी होम 100 बेड का वहाँ पे बनने वाला है, वहाँ भी टेंडर निकलेगा, टेंडर मास्टर तो आपको मालूम है, यहाँ के भाजपा विधायक तो है ही, जब ही निकलेगा तभी निकलेगा, मुझे मालूम है कि इतना जल्दी मैटर्निटी होम चालू नहीं होना है। लेकिन OPD सेंटर नॉर्मली जो दवाई वगैरह आप दे सकते हैं कम से कम वो तो चालू करो, एटलीस्ट इमीडिएट इफेक्ट में आप चाहते हैं कि वहाँ पे OPD सेंटर जरूर स्टार्ट हो और बाकी आगे जो होना है उस पर जो है मतलब उस पर काम शुरू किया जाए। शुरू किया जाए, यस सर, मेरे उतने ही मांगे कि कम से कम दवाई या इंजेक्शन हो। माइंदर ईस्ट के पेशेंट्स यहाँ पे टेम्बा में आते हैं, कम से कम वहाँ पे तो जाएंगे। ग्रेट, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पे? अखिल देखिए, जब जब जरूरत पड़ती है तब तब आवाज़ तो कोई ना कोई उठाता ही है। बेसिकली ये जो इशू है आरक्षण क्रमांक 217 का, इसमें मैटर्निटी होम और OPD सेंटर बनना चाहिए था। जो लैंड है वो तो 8 साल उन्होंने कमा लिया। आदमी के अंदर एक लोभ होता है, आदमी जब कमाने लगता है ना किसी काम से तो सोचता है मैं इसको छोड़ू ही नहीं। हमारे आमदार विधायक जी को भी, नरेंद्र मेहता जी को भी वही लालच हो गई है, वो सोच रहे यार करोड़ों रुपये छापा और ऐसे कैसे दे दूंगा, जंगम के आंदोलन के बाद में करोड़ों रुपये हर साल छाप रहा हूँ, ऐसे कैसे मैं पालिका को वापस दे दूंगा। बस इसी हट की वजह से जो है कि उन्होंने 8 साल तक उसको यूज़ किया और जब हमारा आंदोलन हुआ तो उनको हैंडओवर करना पड़ा। हैंडओवर करने के बाद भी उनकी जो जिद थी उस पर कायम थे, हमारे जिद के बाद उन्होंने वो लैंड दिया बट वो अपने जिद पे कायम थे, उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया। एज पर कंडीशन उनको मैटर्निटी होम एंड OPD सेंटर डेवलप करके देना था, उन्होंने नहीं दिया। अब हमको आयुक्त हमेशा बोलते हैं मी करना, ये करते करते उनका ट्रांसफर हो जाएगा, वो पूरा 2 साल का टेन्योर यहाँ निकाल देंगे लोगों को बेवकूफ़ बना करके। और आयुक्त तो मुझे लगता है उनके अंडर में नहीं, उनके लिए काम करते हैं, आमदार नरेंद्र मेहता मेयर के लिए काम करते हैं, वो हर एक चीज़ में उन्हीं का फेवर कर रहे हैं। और देखिए जनरल इश्यूज़ जो होती है, जनरल इश्यूज़ पे लोगों ने बोलना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ने करना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मुझे तो लगता है कि ये इतने सालों में क्यों नहीं हुआ, लोकायुक्त के आदेश के बाद भी क्यों नहीं हुआ, ये CM को देखना चाहिए। CM यहाँ जब है कि मुँह उठा करके आ जाते, अच्छी बात है, वो आते तो रोड वोड थोड़ा बन जाता है भ्रष्ट कारभार में भी, वो आते हैं जब मुँह उठा करके आइए, अच्छी बात है, बहुत एक अच्छी बात है, आप आइए तो हॉस्पिटल भी बनाइए। गरीब लोग हैं, आप समझिए इस बात को कि गरीब लोगों की प्रताड़ना क्या होती है। आमदार नरेंद्र मेहता एक करोड़पति बन चुके हैं, आज के डेट में उनको गरीबों की कोई सांत्वना नहीं है, उनको टेम्बा हॉस्पिटल से कोई ही भी रियायत नहीं है। हॉस्पिटल बनाया गया टेम्बा और वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया, कोई फॉलोअप कुछ नहीं। अगर आप बोलोगे तो बोलेगे अरे यार ये कॉमन हो गया, इन लोग हमेशा चिल्लाते रहते, ये कृष्णा गुप्ता प्रदीप जंगम एक्सक्यूजेबल है, ये लोग हमेशा ही बोलते रहते। इस तरीके की जो चीज़ें चल रही है, मुझे तो लगता है कि CM साहब को कमिश्नर खदगावकर के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमने खदगावकर साहब के खिलाफ, मुझे लगता है कि मैंने 0.5 दर्जन कंप्लेंट्स करेंगे विद ऑथेंटिक प्रूफ, बट कमिश्नर साहब उसके ऊपर कार्रवाई हो नहीं रही है। ये CM को कार्रवाई करनी चाहिए इस मामले में, मुझे ऐसा लगता है। और 7-Eleven कंस्ट्रक्शन के जो बिलोंग रखते हैं आमदार नरेंद्र मेहता जी, उनको थोड़ी बहुत शर्म रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत शर्म, जो एक जेन्युइन गरीब आदमी भी रहती है उनको थोड़ा बहुत शर्म रखना चाहिए और जल्द से जल्द हॉस्पिटल देना चाहिए। महिलाओं से थोड़ा बहुत इज्जत रखना चाहिए, घर में महिलाएं हैं, माँ भी महिला होती है, उसकी इज्जत करके जो प्रसूति गृह कब्जा करके बैठे हुए उनको जल्द से जल्द देना चाहिए। हम लोग उनको वही बोलेंगे गेट वेल सून मामू।